कैमूर जिले में एक व्यक्ति हेलमेट मैन के नाम से मशहूर है। दरअसल उस व्यक्ति का नाम है राघवेंद्र कुमार उर्फ राहुल। जानकारी के मुताबिक राघवेंद्र के दोस्त दिल्ली में जाकर पढ़ाई करते थे, जहां बाइक से एक्सीडेंट के कारण उनकी जान चली गई थी। वहीं डॉक्टर ने बताया कि अगर हेलमेट पहने होते तो उनके दोस्त की जान बच गई होती। बस इस घटना ने राघवेंद्र को झकझोर कर रख दिया और उसने हेलमेट बांटने की ठान ली। तब से राहुल जिले के अलग अलग क्षेत्रों में कैंप लगाकर पुराने किताब लेकर उसके बदले हेलमेट देते हैं, जिससे हेलमेट के बिना किसी व्यक्ति की भी जान न जाए। राघवेंद्र कुमार के हेलमेट बांटने के कारण लोगों ने उनका नाम हेलमेट मैन रख दिया है। आज इसकी सर्वे आए आज महुआ के अंदर और ये लगभग 9 राज्य में कार्य चल रहे हैं। इसकी शुरुआत मेरे फ्रेंड से हुई थी जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने आज दिल्ली गया हुआ था, तो वो फाइनल ईयर में था। वो बाइक पे हेलमेट नहीं लगाने की वजह से उसकी डेथ हो गई थी, तो हमने शुरुआत की थी। अब किताब का जो रहा ऑलरेडी जो उसके घर में किताब पड़ी हुई थी, तो वो मैंने किसी गरीब बच्चे को दिया हुआ था। जब 2 साल हमने हेलमेट बांटा था तो लोग एज ए फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहे थे। तो एक दिन फ़ोन आया अचानक उसकी माँ का कि सर आपका बुक दिया हुआ मेरा बेटा डिस्ट्रिक्ट टॉप किया हुआ है। तब से मैंने उस दिन से प्रण लिया ऑलरेडी, अब जो मुझे किताब देगा उनको हेलमेट दूंगा। इस तरीके से हमने पूरे भारत में अभी तक 20,000 हेलमेट दिया हुआ है और 1.5 लाख बच्चों तक किताब दिया हुआ है। आज जैसे हमने भभुआ अंदर के अंदर शुरुआत किया हुआ कार्यक्रम, जो यहाँ की मधुप्रिया जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है, संदेश ये है टॉपर का जो अच्छे मार्क्स का मतलब ये है कि आप अपनी बुक्स जो हैं जो भारत के आज़ादी के 70 साल बाद भी 100% लिटरेसी रेट नहीं है, उसको बढ़ाने के लिए जो आने वाले जो बच्चे हैं जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, ताकि वो अपनी किताब उन बच्चों को दे जो मार्केट से खरीद नहीं पा रहे हैं, उन तक पहुँचाएँ। और अभी जो भभुआ में देखेंगे आने वाले अगले साल तक, मेरा यही पर्पस है कि कैमूर जिला के अंदर कोई भी पेरेंट्स मार्केट से ना किताब खरीद के और वो अपनी पुरानी पढ़ी हुई किताब लेकर के आए और अपने जरूरत की किताब लेकर के जाए। और जो आए दिन जो एक्सीडेंट जो दुर्घटना हो रही है उस मृत्यु को हम पेरेंट्स को जागरूक कर रहे हैं। आज के डेट में पेरेंट्स कोई स्कूल भी बच्चे को छोड़ने जा रहे थे हेलमेट लगा करके नहीं जा रहे हैं, तो पेरेंट्स के अंदर भावना कहाँ से आएगी। आज बहुत सारे जो पेरेंट्स आए वो अपने बच्चे को लेकर के आए, पेरेंट्स को बच्चों के द्वारा हेलमेट पहनाया गया उनको, ताकि जब उनका बच्चा जब 12th के बाद जाए ताकि उसके बर्थडे पे हेलमेट गिफ्ट करने की आदत डालें। अभी हमारे साथ जितने भी यहाँ की कैमूर भभुआ के जो क्षेत्र के जो बच्चे जुड़े हुए हैं, अभी शादियाँ भी चल रही है, जोड़ियों को भी हेलमेट्स के लिए अवेयरनेस किया जा रहा है। आज कैमूर भभुआ के दिलशाद सर अहमद सर इन्होंने आज सपोर्ट्स किया, ये भी ऑलरेडी एक लोगों में बहुत बड़ी जागरूकता आएगी। SP दिलनवाज अहमद ने बताया कि हेलमेट सभी लोगों को पहनना जरूरी है, हेलमेट नहीं पहनने से प्रतिदिन घटनाएं होती हैं। सड़क पर एक्सीडेंट होता रहता है और बिना हेलमेट के जो भी बाइक सवार होते हैं अक्सर ब्रेन हेमरेज या और तरह के शिकार हो जाते हैं और उनकी मृत्यु भी हो जाती है। एक ऐसे हैं ये राघवेंद्र भाई, इनके एक दोस्त की मृत्यु इसी क्रम में हो गई थी। इनके द्वारा एक बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा था कि बच्चों को के माध्यम से इसको अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जा रहा था, जिसमें कि पुराने किताब के बदले हेलमेट दिया जा रहा था ताकि वो अपने गार्जियन को दे सकें और जागरूकता हो सके हेलमेट के प्रति। आज इसी कार्यक्रम के तहत हम लोग सड़क पर जो बिना हेलमेट के जा रहे हैं उनको हेलमेट बांटने का कार्यक्रम कर रहे हैं और जो बच्चे किताब के बदले लेकर आए हैं पुराने किताब उनको भी हेलमेट दिया जा रहा है। एक जिला की टॉपर बच्ची है 10th की, उसी के माध्यम से ये कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। अब ये हेलमेट पहन के भी चलना चाहिए, ये सड़क मतलब जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो बाइक सवार हैं उनके लिए, बाल बच्चों के लिए ज़रूरत है, ताकि एक्सीडेंट हो जाने के बाद फिर ये लौट करके फिर जीवन आने वाला नहीं है। राघवेंद्र कुमार हेलमेट बांटने का जो काम कर रहे हैं ये एक सराहनीय काम है, लेकिन आम लोगों का भी फर्ज बनता है कि वो हेलमेट पहनकर निकले जिससे कि दुर्घटनाएं नहीं हो। कैमूर से रंजन कुमार त्रिगुण, बिहार तक।